CI, E, A बटा E, ठीक है, और I, I कितना से कितना है? एक रखेंगे तो यह होगा, दो रखेंगे तो यह होगा, कहाँ तक जाएगा? तो सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए यह एक बॉक्स है या बैग है, ठीक है, इसमें चार को जो है ना मीठा बिस्कुट है और पांच को नमकीन बिस्कुट है, ठीक है, पैकेट है, खुला नहीं पैकेट है, तो एक में चार को मीठा बिस्कुट का पैकेट है और पांच को और एक नमकीन बिस्कुट का पॉलिटी निकालना है, उसमें से एक नमकीन बिस्कुट निकाला जाता है, तो आप क्या बताइएगा? हाँ, पांच को है तो उसकी संभावना पांच होगी, नमकीन बिस्कुट का पॉलिटी हम निकाल रहे हैं क्या? तो पांच बटा पांच चार हो गया, और अब है नहीं दो को पैक है, इसमें है चार को मीठा पांच को नमकीन, इसमें है छह को मीठा और तीन को नमकीन, और एक नमकीन बिस्कुट निकाला जाता है, ठीक है, दो को पैक अब हो गया, पहले एक को पैक था, अब दो को पैक हो गया, पैक फर्स्ट पैक सेकेंड, अब उस नमकीन बिस्कुट का आपको पॉलिसी निकालना है, अब कैसे होगा? जब एक बैग था नहीं, जैसे ये वो ताश का क्वालिटी है उसमें से ये वो कार्ड निकाले, सिंपल क्वालिटी हो गया, लेकिन अब जब दो वो पैक हो गया इसमें से निकालेंगे कि अब उसमें से निकालेंगे, उसी तरह दो वो पैक हो गया दोनों में आपसे क्या दिखाई दे रहा है? नमकीन बिस्कुट, ठीक है, दोनों में स्वीट और नमकीन है ना जी, तो अब जो ये नमकीन बिस्कुट निकला तो अब यह हो जाएगा टोटल फोर वैल्यू, जब कंटेनर का संख्या एक से अधिक हो जाएगा तो निकले कैसे, तो वो आपको नहीं समझ में आया होगा, अब हम समझा रहे अपने लॉजिक से, पहले तो अभी सब सिद्ध भी नहीं करते थे, और रीति में बहुत ऐसा चीज है जो सिद्ध करने को बेकार है और कंफ्यूज हो जाता है, लॉजिक से सही समझ में आ जाता है, लेकिन आपके प्रश्न में कुछ काबिलियत लोग